एक असाम का राजा होया राजा रतन राय, उसके मत्थे ते दाग सी। जब उन्हें मुकट पहनना ना सवेरे तो उन्हें दाग दिसना, जब उसके मत्थे ते दाग दिसना उसके मन च आना मां नूं पुछां कोई सट चोट लगी सी बचपन में, फिर राज भाग दे कम भुल भुला जाना। एक दिन तैयार होके अजे सोच ही रहा सी मुकट रख के ते मां सामने आ गई ते पुछ ही लिया, मां आ मेरे मत्थे ते दाग कादा है, कोई बचपन में सट चोट लगी सी? उसकी मां ने कहा, नहीं बेटा ये सट चोट नहीं लगी, ये दाग पता कादा है? पुत्र मैं ते तेरा पिता बहुत साल भटकते रहे, साडे औलाद नहीं हुई। जदों औलाद ना हुई असी निराश हो गए। एक दिन फिर असाम की धरती ते गुरु तेग बहादुर साहब आए, सानू किसी ने उन्हां दा पता दस्या। असी गुरु तेग बहादुर साहब के चरणों च गए, उस समर्थ गुरु ने इन्नी कृपा की, तेरे पिता राजा राम राय नूं कह दिता, असाम दे राजे मंग की चाहिए, तेरे पिता तो मंगया ना गया। गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा, जो तुहाडे मन विच इच्छा है राजन पूरी होएगी, पर बंदे दा सुभा है जदों इच्छावां पूरियां हुंदियां ने अध विचकार जक्का तक्का करदा है, खबरे उत्थों पूरी हुई है खबरे इत्थों पूरी हुई है, अरदास उत्थे भी कीती सी, फिर की करदा सारे थां ते पाठ करा दिंदा, इत्थे भी सुखना सुखी सी उत्थे भी चढ़ाओ ने चलो। अध नालों वध तां भूआ मासियां सुखना सुखे बैठियां होनियां, उह कहिंदी मैं भी 11 किलो लड्डू सुखे आ, उह भी चढ़ाउंदे रहिंदे। तां गुरु तेग बहादुर महाराज ने कहा, साम दे राजे नूं तैनूं भुलेखा रहिणा जा, फिर एक चीज का विश्वास करी, तेनू यकीन आ जाए गुरु नानक साहब दे घर दी दात है, जेड़ा तेरे घर पुत्र होएगा उहदे मत्थे ते दाग होएगा। और राजे रतन राय की मां ने कहा, बेटा है गुरु तेग बहादुर साहब की निशानी है। अखां भर आईयां, उन्हें कहा, मां अज तक नहीं दस्या, हुण मैं उस गुरु के दर्शन करांगा, किथे है? उदी मां ने अखां भर लिया, बेटा वो ते शरीर करके नहीं रहे, वो ते तिलक जंजू की खातर दिल्ली विच शहादत का जाम पी गए। हाँ उन्हां दी थां ते उन्हां दे सुपुत्र गुरु गोबिंद सिंह महाराज आनंदपुर साहब विच गुरु ने। ते राजे रतन राय ने कहा, मां जे पिता दे थां ते मैं असाम की गद्दी ते बैठा ते मैं राजा हाँ, ते गुरु तेग बहादुर साहब की गद्दी ते जिहड़ा बैठा वी तां गुरु है, मैं उहदे दर्शन करांगा। अपनी मां नूं नाल लिया, मंत्री मंडल नाल लिया, पंज चीजां लईयां ने उहने बड़ियां कीमती। महाराज ने तख्त लिया चंदन की चौंकी 25 लाख रुपए की, प्रशादी हाथी एक चिट्टे रंग का, एक महाराज ने 5 कला शस्त्र, इदां 5 कीमती चीजा लिया के आनंदपुर साहब आया, मत्था टेकया, गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं चीजा भेंट कीतियां। कलगीधर पातशाह हस के प्यार नाल कहिंदे ने, राजा रतन राय तू नहीं आया आनंदपुर साहब? उन्हें कहा, महाराज मैं ही आया। महाराज ने कहा, तू नहीं आया गुरु नानक साहब के दरबार में? महाराज फिर होर कौन आया है? कलगी त्रिपातशाह ने कहा, गुरु की दित्ती निशानी तेनू खिच लियाई है साढ़े तक, जेड़ा गुरु की निशानी नाल प्यार करे गुरु उन्हूं अपने तक खिच लैंदा है। इसलिए सिखो आ गुरु ने निशानियां दित्तियां ने, जे गुरु का पुरब मना रहे हो हाथ जोड़ बेनती, घट्टो घट गुरु के ककारां की निशानी जरूर पाओ। अमृत छकन तो पहला केस प्यार करो, केसां नाल कंघा ते कड़ा पहनो, कृपान पहनो। जिदन ककारां नाल प्यार हो गया आपे ही दिल करेगा हुण मैं अमृत भी छकना है। पहला ककार धारण करदे सी जिहड़े पहले सिख सी, पहला कड़ा पहनना, केस रखने, केसां दी संभाल करनी, कशहरा पहनना, यह पहला ककार रखने चाहिए ने। ककारां नाल प्यार बन जाए गुरु निशानियां करके सिख नूं अपने तक खिच लैंदा है, उदन सिख दा गुरु दे घर जन्म हुंदा है, जिन्हों महाराज कहणगे सतगुर के जन्म है गबन मिटाया, फिर यह जन्म मरण सदा वास्ते मिट जाएगा। पर एक बेनती है, निशानियां नाल प्यार करो, प्यार सिखो। अज साडा प्यार नहीं निशानियां नाल, सोना बड़ा दिखा के पाउंदे आ, कड़ा क्यों नहीं दिखा के पाउंदे? आपां सोना बड़ा बाहरों विखाउंदे आ, कड़ा क्यों नहीं गुरु का प्यार?
गुरु दिया निशानियां नाल प्यार चाहिए। किरपान पाई है ते लुकोना क्यों आ, अद्ध नालों वद्ध ता माफ करियो, बेल्ट विच ही लुकोई फिर दे, बीबियां विचारियां वह भी लुको के कंगा भी लुको, की कर दे हो, असी किथे जावांगे। जे गुरु दियां निशानियां नाल प्रीत नहीं तब किवें उस गुरु नूं मिलना, ये सब कुछ व्यर्थ चलिया जाएगा। हां कथा कीर्तन में एक बेनती करदा, ये सब कुछ सिखो वक्र सिस्टम है। वक्र वक्र सिस्टम पता की, निके जे बच्चे नूं तोरना सिखाउणा होवे ना वक्र देना पैंदा, पर वह सारी उम्र तेरी वक्र ना तुरदा, वह थोड़े दिन आसरा लैंदा है, फिर उहदे पैरां नूं संभाल आ जांदी है, वह फिर तुरदा है। इस तरह कथा कीर्तन सिर्फ गुरु घर तक तोरन वास्ते है, अगे तुहानूं खुद तुरना पैणा। ककारां नाल प्रीत प्रीत पैदा करो, प्यार पैदा करो, ये ना होवे कंघे भी किरपानां नाल बन लै ते किरपानां आपां बैल्टां च दे लईआं। हुण मैनूं दस दिओ कित्थे गई प्रीत, ककारां नाल प्रीत चाहीदी है। पुराने सिख ते कंघा भी डिग जाए चुक के पहलां अरदास करदे सी, गुरु गोबिंद सिंह महाराज गलती नाल कंघा डिग पिया। ककारां नाल प्रीत करो फिर बाणी नाल प्रीत बन जाएगी, बाणी ते बाणे दी प्रीत ही साडा जन्म देगी। माफ करियो, जेदी बाणी नाल प्रीत नहीं उहदी बाणे नाल भी नहीं बनदी। जपजी साहब हर सिख नूं रोज पढ़ना चाहिए, जदों ततकरे विच पढ़ोगे ना गुरु ग्रंथ साहब जी दे, तां जपजी साहब दा पुरानियां बीड़ां विच इस तरह भी लिखिया, जप निशान। जप निशान दे अर्थ पता की ने, वह डाकूमेंट्स, वह पेपर, वह कागज, वह राहदारी जिहदे नाल एक देश तों दूजे देश जाईदे। जिहड़े बंदे कोल राहदारी ते पासपोर्ट ना होवे वह दूजे देश विच एंट्री नहीं लै सकदा। सिखा जे रब दे घर दी एंट्री चाहीदी है, पहला गुरु ग्रंथ साहब की बाणी नाल प्यार कर, फिर तेरा बाणे नाल प्यार बनेगा, बाणी ते बाणे की प्रीत तेनू रब तक ले जाएगी।